वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का आसिफ ज़रदारी और नवाज शरीफ को कोई रियायत ना देने का फैसला। गैर मुल्की दौरों समेत तमाम अखराजात की तफसीलात तलब कर ली। साल 2008 से अब तक इलाज समेत तमाम अखराजात की तफसीलात वजारत खारजा फराहम करेगी। काबीना डिवीजन कैंप ऑफिस और सिक्योरिटी के खराजात देगा। ज़रा के मुताबिक तमाम तफसीलात मंजर आम पर लाई जाएंगी। नवाज और जरदारी के हाथ साफ और मुल्क का खजाना भी साफ है। मनी लॉन्ड्रिंग और करप्शन को नहीं छोड़ेंगे। 24,000 अरब रुपए का हिसाब देना होगा। वजीर मवासलात मुराद सईद और मुआवन खसूसी शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मजीद बोले कि छांगा मांगा की सियासत पाकिस्तान की सियासत को तबाह कर रही है। शरीफ और जरदारी फैमिली की जायदादों के पीछे TT और जाली अकाउंट्स हैं। हमने इसको घर भेजना है, हमने आवाम की तकलीफ को दूर करना है। ये मुस्लिम लीग नून का काम है। आज पूरा मुल्क मुस्लिम लीग नून की तरफ देख रहा है। नया पाकिस्तान लोग भूल गए, पुराना ढूंढ रहे हैं। हम हुक्मरानों को घर भेजकर आवाम की तकलीफ दूर करेंगे। शाहिद खाकान अब्बासी काटक में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। एहसन इकबाल बोले, इमरान खान ने जो हशर पिशावर का किया वही मईशत का कर रहे हैं। नवाज शरीफ का पैगाम है, कारकुन पाकिस्तान बचाने के लिए किरदार अदा करें। मरियम औरंगजेब बोली, आप जितनी मर्जी गिरफ्तारियां कर लो नालायक ही रहोगे। जो भी तारीख लिखेगा वो लिखेगा कि नून लीग की तबाही में सारा कुछ मरियम नवाज की दानशमंदी और लीडरशिप की भूख का हिस्सा था। गुल्लू भट्ट के पास दूसरा शॉट आया नासर भट्ट का, और उन्होंने कहा कि फरदोस साहबा ने कि फॉरेंसिक रिपोर्ट का हुकूमत ने ऑर्डर किया है। ये फंस गए हैं इसमें भी। तारीख याद रखेगी, बाप को डबोने में बेटी का सबसे बड़ा हाथ है। जज से मुतलिक वीडियो का फॉरेंसिक ऑडिट हुआ तो सब सामने आ जाएगा। विफाक वजीर रेलवे शेख रशीद की गुफ्तगू। फिरदौस आशिक आबाद ने ट्वीट किया कि एहतसाब अदालत के जज का बयान आने के बाद अब्बू बचाओ मुहिम फ्लॉप हो चुकी। मंडी बहाउद्दीन में जलसा तो ना हो सका, क्वार्टर मीटिंग से गुजारा चलाया गया। नून लीग में तख्त की जंग। मरियम नवाज खुद बैठना चाहती हैं और शहबाज शरीफ हमजा को बिठाना चाहते हैं। जमीर वाले अफराद अब शरीफ खानदान की गुलामी करने से कासिर हैं। शमसान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। फयाजुल हसन चौहान बोले, मरियम नवाज ने झूठ बोलने में PhD की हुई है। मोहतरमा के वालिद रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, निगलेक्टेड और कन्विक्टेड है। जलसों पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। आसिफ जरदारी और फरियाल तालपुर की पेशियां। एहतसाब अदालत ने फरियाल तालपुर के जिस्मानी रिमांड में 22 जुलाई तक तौसी कर दी। अनवर मजीद को खराबी सेहत के बायस पेश नहीं किया गया। जेल सुप्रिंटेंडेंट मलीर का बयान, समाअत 22 जुलाई तक मुलतवी। साबिक सदर की सहाफियों के सवालात पर पुरअसरार खामोशी। एक सवाल पर सहाफी का मोबाइल छीन लिया, कुछ देर बाद वापस कर दिया। आज हर गली कूचे में महंगाई के खिलाफ एहतजाज हो रहा है। हम अभी चीजें देख रहे हैं, वरना ये लोग एक दिन की मार है। खुर्शीद शाह के सखर में हुकूमत पर वार। मजीद बोले कि ये हर चीज जादू से करते हैं, नॉर्मल को अपने जादू की नकरी बनाना चाहते हैं। जल्द हक और सच का बोल वाला होगा। आशियाना इकबाल हाउसिंग रेफरेंस की समाप्त। नामजद मुलजिम शहबाज शरीफ एहतसाब अदालत लाहौर में पेश। नैब ने स्कैंडल की तफ्तीशी रिपोर्ट पेश कर दी। गवाहान के बयानात रिकॉर्ड। शहबाज शरीफ जज से बार बार जाने की इजाजत मांगते रहे। रोस्टरम पर आकर बोले, कमर में तकलीफ है इसलिए ज्यादा देर बैठ नहीं सकता। कुछ देर बाद जज ने जाने की इजाजत दे दी। We'll be right back.
पंजाब स्पोर्ट्स यूथ फेस्टिवल में मेगा करप्शन का स्कैंडल। साबिक वजीर खेल राणा मशहूद नैब ऑफिस में पेश, सवालनामा थमाया गया। 22 जुलाई को फिर तलब कर लिया गया। मीडिया से गुफ्तगू में राणा मशहूद का कहना था, इमरान खान ने सियासी इंक्वायरीज शुरू कर दी हैं, उनकी सफ में लोटे बैठे हैं, समझते हैं कि हमारी वफादारियां तब्दील करा लेंगे तो ये आपकी भूल है। यकसा चलन से स्टेक्स के खिलाफ होलसेलर्स और ट्रेडर्स शहर शहर सरापा एहतजाज। गुजरांवाला फैसलाबाद समेत पंजाब में ताजरों ने मार्केट्स बंद रखी। फैसलाबाद में ताजरों के कैंप पर पुलिस का धावा, शाबिया ने उखाड़ दी। चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी कहते हैं, कोई नया टैक्स नहीं लगाया। जीरो रेटिंग बराज खात्मे पर बात करेंगे, जो हल निकला उसे अपनाएंगे। शराफ्ती कार्ड की डिमांड कोई नई चीज नहीं। चित्राल के इलाके गोलेन में अजगोर ग्लेशियर फटने से सैलाबी रेले के बायस दो गांव का राबता मुनकता। वजीर आजम की हमशीरा अलीमा खान भी सैलाबी रेले के बायस फंस गई। पीडीएमए ने दो हेलीकॉप्टर्स, अशिया खुरनोज और रिलीफ का सामान इलाके में भिजवा दिया। इंतजामिया का कहना है, सैलाबी रेले से शिंदौर मेला मुतासर नहीं होगा, शिंदौर के रास्ते खुले हैं। मोटापे का शिकार नूर हसन इंतकाल कर गए। दो हफ्ते कबल सर्जरी हुई, सांस की तकलीफ के बायस आईसीयू में थे। आज सुबह अस्पताल में दम तोड़ने वाली मरीजा के लवाहिकीन की तोड़फोड़ के दौरान नूर हसन समेत दो मरीज दम तोड़ गए। वजीर सेहत यास्मीन राशिद का नोटिस, तहकीकात के लिए तीन रुकनी कमेटी बना दी। सादिकाबाद में नूर हसन के घर पर सोग, ताजियत के लिए लोगों की आमद जारी। कश्मीर के बेटे हुर्रत कमांडर बरहान वानी की शहादत को 3 बरस बीत गए। दुनिया भर के कश्मीरी आज जर्म मजाहमत मना रहे हैं। भारतीय फौज शहीद के नाम से भी खौफजदा। मार्च रोकने के लिए पूरी वादी को फौजी छावनी में बदल दिया। एलओसी के दोनों जानिब एहतजाज और रैलियां। मुजफ्फराबाद में तलबा की रैली। उधर विशाल बरी का कह रहे हैं कि कश्मीरियों की कुर्बानियां जरूर रंग लाएंगी। बाबा इंसानियत अब्दुल सितार ईदी की तीसरी बरसी। यतीम बच्चों का सहारा और नौमौलूद को गोद लेने वाला ईदी आज भी दिलों में जिंदा। दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए अजीम खिदमात सर अंजाम दी, बिला रंगो नस्ल खिदमत की। ईदी दुनिया से तो चले गए मगर उनका फिलाही मिशन आज भी इंसानी खिदमात में मसरूफ। अमरीका और यूरोप की धमकियां बेसूर। ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी एटमी मुआहदे में तय हद से बढ़ा दी है। तर्जुमान ईरानी एटॉमिक एनर्जी कमीशन का कहना है, यूरोप ने वादे पूरे ना किए तो आइंदा चंद माह में अफजूदगी 20% तक बढ़ा देंगे। दुनिया के बुलंद तरीन मकाम चंदूर में पोलो फेस्टिवल की रंगीनियां आज जौबन पर। चित्राल सी और गिलगित बल्तिस्तान सी का मुकाबला। घुड़सवारों ने सबकत पारी के लिए खूब तगड़ा दिखाई। पाक फौज की जानिब से पैराग्लाइडिंग का शानदार मुजाहरा। लोक फनकारों का रक्स भी मुल्की और गैर मुल्की सियाहों ने खूब इंजॉय किया। वजीर आजम इमरान खान कल फाइनल मैच देखने चंदूर जाएंगे। स्पेन के शहर पाम्पोलोना में बैलों के सामने भागने का रवायती फेस्टिवल जारी। सालाना रेस का दूसरा रोज जारी। पहले रोज 53 अफराद बिपरे बैलों की जद में आकर जख्मी हो गए।